हिमाचल के तीन लोकसभा सीटों के नतीजों का ऑलमोस्ट ऐलान हो चुका है। इन तीन सीटों की अगर बात की जाए तो दो सीटों के ऊपर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है और एक हमीरपुर की सीट जो भाजपा के खेमे में गई है। अगर कांग्रेस की बात की जाए जहां देहरा में एक बड़ी लीड जो है कांग्रेस ने ली है और इसलिए भी बड़ी अहम हो जाती है क्योंकि कांग्रेस का खाता जो है वो इस बार देहरा में खुला है। नया कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और ऐसे में देहरा में कांग्रेस की तरफ से बड़ी जीत होना एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा जो खेमा माना जा रहा है। नालागढ़ की अगर बात की जाए तो सुक्खू के दूसरे खेमे की जो बड़ी जीत हुई है और ऐसे में जो दूसरा खेमा है वो काफी स्ट्रांग हो चुका है जो विक्रमादित्य का कहा जाता है। और अगर तीसरे की बात की जाए जो भाजपा ने जीत हासिल की है हमीरपुर, वो अनुराग ठाकुर की सीट जो है वो गढ़ माना जाता है। वैसे में भाजपा की अगर बात की जाए तो हमीरपुर से जीत हुई है और कांग्रेस की दो जो सीटों उन्होंने जीत हासिल की है। और इस बार जो है अहम ये भी था क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री सुक्खू की जो धर्म पत्नी है उनकी तरफ से भी चुनाव लड़े गए थे, उन्होंने भी कांग्रेस की सीट पे जीत हासिल की है और बड़ी लीड के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। तो कहा जा सकता है आज कई राज्यों में बाय इलेक्शन यानी कि उपचुनाव के नतीजों का ऐलान किया गया है। और अगर बात की जाए हिमाचल की तो तीन सीटों के ऊपर आज हिमाचल के चुनाव हुए थे। एक सीट के ऊपर भाजपा जो हमीरपुर में जीती है, देहरा और नालागढ़ जो है वो कांग्रेस ने एक बड़ी लीड के साथ जीत हासिल की है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वहां पे जो जश्न जो है इस समय मनाया जा रहा है। कांग्रेस वर्करों की तरफ से लगातार जो है पहुंच के देहरा में और नालागढ़ में जोरदार जो है ढोल के साथ जो दो सीटों की जीत के ऊपर उनकी तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। हमीरपुर सीट जो थी वो पहले से ही क्योंकि अनुराग ठाकुर का गढ़ माना जाता है, अब ऐसे में वहां उनकी जीत हुई है तो जाहिर है वहां पर भी जो खुशी की लहर जो है वो मानी जा रही है। और इस बार अहम जो रहा है वो देहरा सीट है क्योंकि पहली बार बनी थी और कांग्रेस ने अपना खाता वहां खोला है, बड़ी लीड के साथ जो जीत हासिल की है। अब ऐसे में अगर आज के दिन की बात की जाए तो बाय इलेक्शंस के जो नतीजों का ऐलान किया गया है जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी लीड के साथ जीत हासिल की गई है, वहीं अगर हम हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में आज एक बड़ी जीत जो है वो कांग्रेस ने जो दो सीटों के ऊपर जीत हासिल की है और बात की जाए तीसरी सीट की तो वह भाजपा के खेमे में रही है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए अमनप्रीत कौर।